दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हिंदी ऑटोमोबाइल्स चैनल एपी टेक्निकल गुरु पर। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं अंडर 6 लाख की वो शानदार गाड़ियां जिन्हें आप परचेज करेंगे, जिनमें आपको मिलेंगे सेफ्टी फीचर्स तथा फुल स्टाइलिश के साथ साथ आपके बजट में आने के बाद इनमें आपको मिलेगा फुल कंफर्ट भी। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट गाड़ी आपकी मारुति की सेलेरियो दोस्तों, मोर स्पेसियस आप जानते हैं, ये गाड़ी आपको मिलती है 800 और वैगनआर के बीच के सेगमेंट में फ्रेंड्स। और काफ़ी अच्छा इसमें आपको मिलता है पेट्रोल सीएनजी का जो भी विकल्प आप चाहते हैं, यानी कि मोर माइलेज चाहिए तो। साथ ही ये गाड़ी अब अवेलेबल हो रही है फ्रेंड्स BS6 में, 998 सीसी की इस गाड़ी में फ्रेंड्स आपको मिलता है 67 BHP की पावर, 90 Nm का टॉर्क और बूट भी काफ़ी अच्छा आता है, यानी कि आपका स्पेस 235 का, टैंक होता है 35 का। और साथ ही सेफ्टी फीचर्स में बात करें तो ABS, ड्यूल एयरबैग, AC हीटर, पावर स्टीयरिंग, ड्यूल पावर विंडो। कंफर्ट में बात करें तो दोस्तों वैनिटी मिरर है, रियर सीट हेडरेस्ट है, कप होल्डर फ्रंट में, पार्किंग सेंसर्स है। इसके अलावा आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। तो ये फर्स्ट गाड़ी है दोस्तों मारुति की सेलेक्ट की हमने आपके लिए सेलेरियो, जो कि आपको मिल जाती है इस बजट के अंदर। सेकंड गाड़ी बिल्कुल न्यूली लॉन्च हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं एस्प्रेसो, आपने देखा होगा इसके बारे में कुछ खास पॉइंट्स हम भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि क्यों हमने ये टॉप लिस्ट में प्रोवाइड की है आपके लिए गाड़ी। देखिए फ्रेंड्स, जब ये न्यूली गाड़ी लॉन्च हुई थी तो मारुति ने कुछ सोच कर इसके बारे में पूरी प्लानिंग की, और आप जानते हैं इसके आने के बाद ही K10 को डिसकंटिन्यू किया गया, यानी कि अब आपको नियर फ्यूचर में अप्रैल से K10 नहीं मिलेगी। तो और एक कारण और भी था दोस्तों, जब भी आप कोई गाड़ी जाते थे मिड सेगमेंट में परचेज करने के लिए तो आपके सामने ऐसे विकल्प होते थे अन्य कंपनियों के, जहां को आपको सेम बजट में, यानी जो K10 का बजट आता था उसी में मिल जाती थी मोर स्पेसियस तथा काफ़ी एडवांस फीचर, चाहे वो एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, चाहे स्टाइलिश लुक हो या मिनी SUV टाइप हो। तो सोचते थे सभी लोग जो मारुति की मिड सेगमेंट की भी गाड़ियां या कह सकते हैं बेस सेगमेंट की गाड़ियां परचेज करते थे कि काश मारुति भी इस तरह की गाड़ी ला पाती कि जिस तरह की क्विड आती है या अन्य आप इस सेगमेंट की गाड़ियां देखते हैं जो मोर स्टाइलिश होती थी या मोर कंफर्टेबल भी होती थी। मारुति ने इसी को विचार करके आपके लिए पेश की एस्प्रेसो। हालांकि ऑटोमोबाइल्स के पंडित उस समय ऐसा मानते थे कि गाड़ी ज़्यादा सक्सेस होने वाली नहीं है, जब इसका लॉन्च हुआ था हमने भी आपके लिए रिव्यू दिया था, लेकिन नियर फ्यूचर प्रोजेक्शन हमारा इसके बारे में काफ़ी शानदार था। दोस्तों हमारा प्रोजेक्शन बिल्कुल सही रहा, ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हिट हो गई और इसने लॉन्च होते ही धमाल मचा दिया। फर्स्ट मंथ में ही 10,000 से ज़्यादा यूनिट इस गाड़ी ने सेल की, तो दोस्तों ये बिल्कुल हिट रही अपने सेगमेंट में काफ़ी कम बजट से। आप समझ सकते हैं 4.20 से स्टार्ट होने वाली इस गाड़ी में अब आपको दोनों ही विकल्प मौजूद हैं। जब ये लॉन्च हुई थी केवल आपको मिलता था फ्रेंड्स पेट्रोल का विकल्प, लेकिन अब आपको इसमें मिलता है CNG का, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त माइलेज भी मिलेगा दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल में भी इसका माइलेज लगभग 21 के आसपास आता है, जबकि CNG में आप जानते हैं सभी गाड़ियों का माइलेज ज़बरदस्त होता है। इसके अलावा फीचर्स भी काफ़ी शानदार आपको गाड़ी में, फ्रंट में आप देखिए, बैक में देखिए, बिल्कुल यही फील होगा जैसे आप मिनी SUV चला रहे हैं। साथ ही इसमें आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर हो, चाहे वो ग्लोव कंपार्टमेंट हो। तो ये रही आपकी मारुति की एस्प्रेसो। इसके बाद में इसी सेगमेंट के आगे बात करें तो दोस्तों वैगनआर बिल्कुल न्यूली जब लॉन्च हुई ओल्ड के बाद में, तो इसकी भी सक्सेस स्टोरी काफ़ी अच्छी रही। अंडर 6 लाख की ये गाड़ी जहाँ पहले से ही इंडियन रोड्स पर राज करती है आप कह सकते हैं, लॉन्च होने के बाद तो इसने बिल्कुल आप कह सकते हैं काफ़ी चेंजेस किए दोस्तों, चाहे वो इसका स्पेस हो, चाहे कंफर्ट हो, चाहे इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स हो जो आपकी ओल्ड वैगनआर में नहीं मिलते थे, तो इसमें सारे फीचर्स अब कंपनी ने दोस्तों इंक्लूड कर दिए।
तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं। पेट्रोल में दोस्तों तथा सीएनजी में दोनों विकल्प वैगनार के पहले भी मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं। तो अगर आप अंडर 6 लाख की गाड़ी चाहते हैं तो वैगनार भी आपके लिए विकल्प हो सकता है। हालांकि हम बहुत सारी गाड़ियाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किप करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए तुरंत चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। साथ ही लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद में बेल का आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो आए एज ए VIP कस्टमर्स आप सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों वैगनआर में आपको दोनों विकल्प मिलेंगे, 1 लीटर और 1.2 लीटर, जो भी आप चाहते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी आपके लिए हम लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल एडवांस फीचर्स के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट गाड़ी आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल एडवांस स्टाइलिश लुक, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम सभी इस गाड़ी में आपको मिलते हैं फ्रेंड्स। ये है आपकी, देख सकते हैं फ्रेंड्स, टाटा की ये शानदार गाड़ी आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, टाटा की टियागो, जो बिल्कुल पहले से ही काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ तथा मोर पावरफुल 1200 cc के इंजन के साथ आती है। और अब एडवांस होने के बाद में तो बहुत ही ज़बरदस्त आप कह सकते हैं ग्लैमरस लुक इसका मिलता है, और सेफ्टी फीचर्स में ABS, EBD सभी इसमें मिल ही जाते हैं पहले। अब देख सकते हैं आप टाटा की इस गाड़ी को फ्रेंड्स। इसके बाद में आप नेक्स्ट गाड़ी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ही आपकी, देख सकते हैं बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड में जो गाड़ी आई टाटा टियागो के बाद में नेक्स्ट गाड़ी टाटा की एल्टोस दोस्तों, जिसने लॉन्च होने से पहले ही 5 स्टार ले लिए अपने सेगमेंट में फ्रेंड्स। और दोनों विकल्प में आपको ये गाड़ी मिलती है, अगर आप पावरफुल चाहते हैं इंजन तो आप ले सकते हैं डीजल का 1497 cc का, जो देता है 80.76 bhp की पावर। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल तो 1199 cc का पेट्रोल इंजन, जो देता है 84 bhp की पावर, 113 Nm का टॉर्क। बूट स्पेस इस सेगमेंट में हम समझते हैं सबसे ज़्यादा हैचबैक गाड़ियों में आपको एल्टोज में मिलता है, 345 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में दोस्तों मिल जाता है। साथ ही टच स्क्रीन मिलेगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो, एलॉय व्हील हो, फॉग लाइट फ्रंट व रियर में हो, इसके अलावा ड्यूल पावर विंडो हो, AC हीटर, चाहे एडजस्टेबल स्टीयरिंग हो, और बिल्कुल बोल्ड लुक के साथ ये गाड़ी अपने गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ आती है। आप देख सकते हैं ये है टाटा की एल्टोज, मोर सेफ्टी के साथ में इस सेगमेंट में, इस बजट में आप कह सकते हैं सबसे अच्छी गाड़ी हम इसे मानते हैं। और फीचर्स में अन्य फीचर्स भी दोस्तों, VRAC वेंट्स हो, चाहे नेविगेशन सिस्टम हो, स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री हो, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन हो, या रियर सीट सेंटर्स में हो, मोर स्पेसियस इंटीरियर्स तथा एम्बियंस लाइटिंग तथा बॉडी कलर मैच बम्पर्स, सभी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिल जाती हैं। 90° ओपनिंग डोर्स इसकी एक विशेष विशेषता है, टिल्ट आपको इसमें मिलता है, स्टीयरिंग आप बिल्कुल अपने हिसाब से, कंफर्टेबल सीटें हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है तथा लेदर रैप्स, और 17.7 inch का कलर्ड आपको टच स्क्रीन सिस्टम, बिल्कुल आप कह सकते हैं टाटा ने बहुत ही बेस्ट इस सेगमेंट में इस गाड़ी को दोस्तों तैयार किया है। तो ये है आपकी नेक्स्ट चॉइस, आप जिसे रख सकते हैं अंडर 6 लाख में एल्ट्रोज आपको मिल जाती है, ऑन रोड इसका फर्स्ट वेरियंट आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है दोस्तों टाटा के एल्टोस के बारे में, आप जान सकते हैं ऑल टू ऑल फीचर्स उसी तरीके से मिलते हैं जैसे कि टाटा की टियागो में आपको मिलते हैं, जो उसका टॉप मॉडल्स आता है, XZA+ हो, चाहे वो इसमें क्रूज कंट्रोल की फैसिलिटी भी आपको मिलती है दोस्तों, जो खास बात है आपको मिलती है उन गाड़ियों में जाके आती हैं आपके बिल्कुल हाई फाई सेगमेंट की गाड़ियों में। क्रूज कंट्रोल में थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देते हैं दोस्तों, इसका बेनिफिट ये होता है जब आपकी गाड़ी लगभग 50 के स्पीड के आसपास होती है तो आप इसे बिल्कुल ऑटोमेटिक ड्राइव कर सकते हैं, ये इसका विशेष बेनिफिट आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल में। इसके अलावा पियानो, ब्लैक ORPM आप देख सकते हैं इस गोल्ड स्टैंडर्ड गाड़ी में, एलिगेंट मिरर्स आपको यहाँ पर मिलता है, लाइटें बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टाइलिश लाइटें आपको इसमें मिल रही हैं, फ्लोटिंग आइसलैंड डैशबोर्ड डिज़ाइन मिलता है, और इंफोटेनमेंट सिस्टम्स जैसा आपको बताया हर मन का टाटा सभी गाड़ियों में देता है, उसे तो कहने की आवश्यकता नहीं है, आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से ऑल फैसिलिटी, चाहे वो GPS है, ब्लूटूथ है, मनोरंजन है, वॉइस एक्टिवेटेड क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। खास बात आप इसका विशेष फीचर्स ये भी मान सकते हैं, लगभग 25 एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं दोस्तों, लेदर रैप्ड फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, इसके अलावा ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स,
जैसे कि सेफ्टी फीचर्स में टाटा ने इस गाड़ी के साथ किसी का भी तरह का कोई आप कंप्रोमाइज नहीं किया है। हालांकि टाटा जी आप जानते ही हैं इस सेगमेंट में पहले भी टियागो आती थी, लेकिन टियागो से काफ़ी ज़्यादा हमें ये स्टाइलिश तथा मोर फीचर्स के साथ ये गाड़ी मिलती है अपने गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ। स्लाइडिंग फ्रंट आर्म रेस्ट है, रियर सीट हेडरेस्ट आर्मरेस्ट है तथा डिस्टेंस स्प्लिट टेल लैंप आपको इस गाड़ी की विशेष फैसिलिटी में मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक हेडलाइट्स है, टेल गेट्स ये आप इसमें देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। हालांकि इसके काफ़ी कलर वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, अम्ब्रेला होल्डर्स यहां पर आपको मिलेगा, कप होल्डर्स आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स इस गाड़ी के साथ में, मोबाइल होल्डर्स बिल्कुल कम्फर्टेबल रियल मोबाइल होल्डर्स, सन ग्लास होल्डर्स, इसके अलावा मैगजीन होल्डर्स है, ब्लेजर हुक है, स्पेसियस रियर सीटें, वियर पावर सॉकेट्स, यानी सभी फैसिलिटी टाटा ने आपको दी है। इसमें फ्यूल लेवल तो होगा, तो ये गाड़ी आपकी एल्टोज का आपने डिटेल्स रिव्यू आपके लिए हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स, तो आपको कैसा लगा आप लिखिए। इसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसके अन्य फीचर्स भी, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम्स जो हमने बताया हरमन का इस गाड़ी में आपको मिलता है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल एडवांस लुक न्यू स्टाइल के साथ ये गाड़ी आती है। और जहाँ तक बात है हैचबैक सेगमेंट की, इन गाड़ियों की हम चर्चा कर रहे हैं, अंडर 6 लाख बजट में इसका आपको फर्स्ट वेरियंट दोस्तों मिल जाता है, ऑन रोड मिल जाएगा दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी हमें लगी, इसलिए आपके साथ इसका डिटेल्स भी हमने शेयर की। इसके बाद में नेक्स्ट गाड़ी भी आपको हम दिखाने वाले हैं, पूरी वीडियो आप ध्यान से देखते रहें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी किसी भी गाड़ी के बारे में, एनी ब्रांड्स जो भी आप पसंद करते हैं, टाटा हुंडई या मारुति, आपको जो भी पसंद आती है उसके बारे में मोस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हैं किन्हीं दो गाड़ियों के परचेज के बारे में तो वो आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में मल्टी ड्राइव मोड, इको सिटी सभी आपको मिलता है, 90 PS का डीजल, 85 PS का पेट्रोल इंजन्स इस गाड़ी की आप विशेषता भी मान सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल ज़बरदस्त आप कह सकते हैं इस गाड़ी का लॉन्च रहा, और इसके बाद में आप देख सकते हैं आप इस सेगमेंट में। और दोस्तों एक खास बात और है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप कृपया अपना बेल का आइकॉन चेक करें कि आपने बेल का आइकॉन सेट किया है या नहीं, क्योंकि अगर आपने बेल का आइकॉन क्लिक नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते होंगे और आप टाइम पे वीडियो नहीं देख पाते होंगे। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सभी न्यू और यूज्ड गाड़ियों के सेगमेंट की तो आप हमारे चैनल से जुड़ें फ्री में सब्सक्राइब करके। इसके बाद में नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखाते हैं इसी सेगमेंट की जो आती है स्मार्ट ऑटो AMT के साथ में, और जब लॉन्च हुई तो इसने बिल्कुल आप कह सकते हैं सालों तक मार्केट में धमाल मचाए रखा लॉन्च होने से पहले दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुंडई की सेंटो की, उस मिड सेगमेंट की गाड़ी की जहाँ पर कि आपकी टियागो आती है या आती है मारुति की वैगनार, तो उसी सेगमेंट में आप सेंट्रो को रख सकते हैं। ये हैचबैक गाड़ी 1.1 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलती है दोस्तों, यानी कि पावर लीक की प्रॉब्लम भी आप इस गाड़ी में नहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स। और फर्स्ट वेरिएंट इसका आता है दोस्तों ईरा एग्जीक्यूटिव के नाम से, CNG का विकल्प भी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा जो लगभग 6.64 के, और CNG में माइलेज भी दोस्तों इस गाड़ी का भी काफ़ी अच्छा होता है, आप मान सकते हैं लगभग 30+ के आसपास आपको इसमें CNG माइलेज मिलता है। पेट्रोल की जहां तक बात करें फ्रेंड्स तो इसमें 20 के आसपास आपको इसमें मिल जाता है, और जैसा कि आपको हमने बताया 1086 cc का आपको इसमें मिलता है पेट्रोल इंजन, 68 BHP की पावर, 99 Nm का टॉर्क और 4500 RPM। इसके बाद में दोस्तों एक और गाड़ी जिसने मार्केट में धमाल मचा रखा है, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिल्कुल न्यू क्विड की। हालांकि इससे पहले जो BS4 में क्विड आती थी वो जहाँ भी अवेलेबल रही उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट सब भी करंट में अवेलेबल हो रहा है, और फर्स्ट वेरिएंट तो इसका लगभग अंडर 4 लाख में ही आपको मिल जाता है। इसके दो विकल्प आते हैं दोस्तों, एक जिस तरीके से आप जानते हैं ऑल्टो 800 आती थी या आपकी 1 लीटर में आती थी K10 या एस्प्रेसो करंट में आ रही है, उसी तरीके इसमें 800 और 1 लीटर के दो विकल्प आपको मिल जाते हैं दोस्तों। वैसे सिलेक्शन ये है कि आपको कम से कम 1 लीटर का इसका लेना चाहिए वर्जन। और इसके बाद दोस्तों जहाँ तक बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपका माइलेज मिलेगा 23 के आसपास, और इंजन इसका आता है 999 cc अगर आप लेते हैं 1 लीटर की, जिसमें आपको मिलेगा 67 BHP का पावर टॉर्क, 91 Nm का बूट स्पेस भी अच्छा आता है दोस्तों इस गाड़ी में, 279 लीटर का इस सेगमेंट में अच्छा है बिल्कुल फ्यूल, 28 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल टैंक मिलेगा, और इसके आपको टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा टच स्क्रीन, साथ ही सेफ्टी फीचर्स में आपको मिलते हैं ABS है, EBD है, एयर बैग्स है, ड्यूल एयर बैग्स मिलेंगे जी हाँ दोस्तों,
सेंट्रल लॉकिंग है, चाहे पावर डोर लॉक है या चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, सभी आपको इसमें दोस्तों मिल जाएंगे। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च होने के बाद में बोल्ड स्टाइल में आपको एक गाड़ी मिलती है और ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए आपको इसमें पैसा बताया आपको मिलेंगे फ्रंट में बिल्कुल। इसके अलावा रूफ रेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एसयूवी पैक टाइप की ये गाड़ी बिल्कुल ऐसी मिनी एसयूवी का लुक देती है और साइड व फ्रंट में इंपैक्ट बीम सेफ्टी के लिए, साथ ही इंजन इमोबिलाइजर है, क्रैश सेंसर्स तथा हाई सेफ्टी प्रोसेंस, रियर्स कैमरा, एंटी थीप रिवर्स और सारी फैसिलिटी आपको इस गाड़ी में मिलती है। तो ये है न्यूली लॉन्च दोस्तों रेनो की क्विड और आप जानते हैं इसने भी काफ़ी अच्छा मार्केट कवर किया है दो कारण से दोस्तों हम मान सकते हैं। फर्स्ट, जिस तरीके से मारुति ने इंडियन कंज्यूमर की नब्ज को कैप्चर करके रखा तो रेनो ने बिल्कुल वही फार्मूला आजमाया, यानी कि बिल्कुल पॉकेट में आने वाली गाड़ियां रेनो ने उतारी। सबसे पहले क्विड ऐसी गाड़ी रही दोस्तों जिसने कैप्चर किया मार्केट को और रेनो को मार्केट में स्थापित किया। तो ये है आपकी रेनो की क्विड और अपडेट होने के बाद में BS6 इंजन हो चाहे अन्य फैसिलिटी हो सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं, चाहे वो टेल लैंप है या गियर ब्रेजल क्रोम्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, या इसके अलावा बिल्कुल क्रोम पैक में आपको ये गाड़ी यहाँ पर मिल जाती है हाई सेफ्टी फीचर्स के साथ में, जिसमें आपका एंटी थीफ अलार्म वगैरह सभी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट गाड़ी दोस्तों जिसने मार्केट में धमाल मचाया वो भी रेनो की रही, अपने सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं सस्ती गाड़ी, मोर कम्फर्ट मोर फीचर्स के साथ में ड्राइवर की दोस्तों जी हम बात कर रहे हैं रेनो ड्राइवर। जब ये लॉन्च हुई थी तो शायद उस समय कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि ये गाड़ी इतनी सक्सेस रहेगी जो अच्छी खासी जमी जमाई गाड़ियों को भी कड़ी टक्कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये से आप बिल्कुल 7 सीटर ये गाड़ी है। सबसे पहली बात ये कि इसमें आपको देख सकते हैं आईवेयर में बैक कवर यहाँ पर, इसके अलावा ऑल टू ऑल आप साइड प्रोफाइल देखिए इसके अलावा, और इसका बिल्कुल पैकेज कंपनी ने ऐसा तैयार किया दोस्तों। कॉर्नर प्रोटेक्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं, मड फ्लैप्स, ऑल टू ऑल चक कारपेट मैट आपको इस गाड़ी में। इसके अलावा दोस्तों खास बात ये है कि इस गाड़ी में फर्स्ट वेरिएंट इसका स्टार्ट होता है 5.63 RXC तथा माइलेज भी इस गाड़ी का इस सेगमेंट में अगर 7 सेक्टर में आप मानते हैं तो 20 के आसपास इसमें आपको माइलेज मिल जाता है दोस्तों। 71 BHP की पावर है तथा 90 Nm का टॉर्क तथा 7 सीटर ये मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, बूट स्पेस में 84 का मिलता है अगर आप 7 सीटर मोड में यूज़ करते हैं। इसके अलावा चाइल्ड सेफ्टी लॉक हो चाहे ड्यूल एयरबैग्स हो तथा मोर कंफर्ट के सभी फीचर्स हों आपको ये गाड़ी इन फीचर्स के साथ मिल जाती है, चाहे वो EBD हो, स्पीड अलर्ट सिस्टम हो, ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट हो, तो सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में दोस्तों मिल जाते हैं। तो ये है हमारी लास्ट गाड़ी इस सेगमेंट की जो हमने आपको शेयर किया है। तो दोस्तों आपको ये गाड़ियाँ कैसी लगती हैं और आप कौन सी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या करंट में आप इनमें से कौन सी गाड़ी आपने यूज़ की है किस ब्रांड की, तो अवश्य लिखिए कमेंट्स बॉक्स में। और नेक्स्ट आप जिस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं लिखें कमेंट्स बॉक्स में ताकि हम उसका रिव्यू आपके लिए लेकर आएँ। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए आए हैं। नमस्कार दोस्तों।